से लेकर के हमारी दिनचर्या शुरू होती है। तो आप सभी कई बाबा के बच्चे नए हैं और अमृत वेले का महत्व इतना शायद अभी समझ में न भी आया हो, लेकिन एक बार यदि आपने अनुभव कर लिया कि वो अमृत वेला क्या है, कैसे हम उससे प्राप्ति करें अमृत वेले से, क्योंकि किसने ये डायरेक्शन दिया है, आपके आपको जिसके साथ बहुत प्यार हो और वो व्यक्ति यदि आपको कहे कि मैं रात को 2 बजे आपको मिलने आऊंगा या आप मुझे मिलने आना ये स्पॉट पर, क्योंकि उससे आपका बहुत प्यार है, तो मैं तो समझती हूँ कि 2 बजे जाना है तो सारी रात भी शायद नींद ना आवे। तो बाबा ने हमें 4 बजे का टाइम दिया है, जल्दी नहीं, 4 बजे। वो 4 बजे का टाइम मिलने का समय, वो आज्ञा मैंने कितनी फॉलो की है, कितना पालन किया है, और वो प्राप्ति, बाबा कहते हैं कि अमृत वेले का जो समय है, भगवान खुला भंडारा छोड़ देता है, जितना आप लूट सके उतना आप लूटो, आपके हाथ में है। भक्ति मार्ग में हमने भक्ति की है द्वापर युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक, मैं तो कहूंगी कल तक हमने भक्ति की है, लेकिन भक्ति में जो हिसाब था जितना और उतने का, जितना भक्ति करते थे, जितनी भावना से भक्ति करते थे, उतना फल मिल जाता था। लेकिन ज्ञान मार्ग के अंदर जितना और उतने का नहीं, एक कदम का पदम गुणा फायदा है। तो एक कदम का पदम गुणा फायदा उठाने के लिए क्या मैं रेडी हूं? बाबा कहते हैं कि एक कदम हिम्मत का पदम गुणा बाबा की मदद के पात्र हम बन जाते हैं। अब हिम्मत क्या रखनी है कि सिर्फ अमृत वेले उठ करके बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा आपकी बुद्धि को टच करेगा, बाबा आपको भरेगा आपकी आत्मा के अंदर, और अमृत वेले भगवान भी खुले भंडारी रूप में बैठता है, भोले भंडारी के रूप में बैठता है। और आप भक्ति में भी ये बात को अच्छी तरह से जानते हो कि शिव को वैसे भी भोलानाथ कहा जाता है, तो वो भोलानाथ भंडारा खुला रखता है, कितना मेरे पास कैपेसिटी है, मेरा बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो बर्तन कितना विशाल है, जो मैं बाबा से वो बातें, बाबा से वो वाइब्रेशन स्केच कर सकूं, है ना। पात्र जितना बड़ा होगा उतना हम ले सकते हैं, तो बुद्धि रूपी पात्र को बड़ा करना संगम युग में बाबा सिखाते हैं। विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि हमें बनानी है। तो अमृत वेले से हमारी दिनचर्या शुरू होती है और उसके बाद हम क्लास के लिए तैयार होते, अपने आप को तैयार करते हैं कि स्कूल में जाना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप उसको उठा करके तैयार करते हैं कि तुम्हारी बस आ जाएंगी, तुम्हारी राइड आ जाएंगी, आपको क्लास में जाना है, स्कूल में जाना है, लेट हो जाओगे। अभी हमें अपने को सिखानी है, लेट हो गए क्लास में, लेट हो गए तो भी बहुत कुछ गंवा देते हैं, है ना। अच्छे स्टूडेंट्स रेगुलर पंक्चुअल होते हैं, तो आप सभी भी ऐसे स्टूडेंट्स बनो कि
नाज हो जाए भगवान को भी कि मेरे ऐसे स्टूडेंट्स, टीचर को भी स्कूल और लौकिक दुनिया के अंदर भी जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप लेने के लायक होता है, बहुत होशियार होता है, और जो स्टूडेंट्स सारे स्टेट में नंबर वन आता है, तो उसका टीचर का कॉलर ऊंचा हो जाता है ना? ऐसा आप सब ने अनुभव किया होगा ये तो, जब हमारी स्टूडेंट्स लाइफ थी, और अभी बुजुर्ग होने के बाद पढ़ना पड़ेगा ये तो किसी ने समझा ही नहीं था, है ना? तो अभी भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, तो भगवान को भी मेरे पढ़ाई से नाज हो जाए, ऐसी पढ़ाई पढ़नी है। और बाबा न सिर्फ बाप है लेकिन टीचर है। कल भी बाबा ने ये बात, परसों की मुरली में बाबा ने ये बात कही थी कि हम सभी आत्माएं परम धाम से नीचे आए हैं, ये शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर हम अपना पार्ट प्ले किया, लेकिन जब रिटर्न होते हैं तो जो एक्टर स्टेज पर कपड़े पहन करके आते हैं वो कपड़ा वो बदली कर देता है, ड्रामा का कपड़ा ही पहन करके वो घर नहीं जाता है, जो असली कपड़ा पहन करके आया था वही कपड़े में वो घर जाता है। तो हम आत्माएं भी अशरीरी आई थी, वो अभ्यास करने की आवश्यकता है कि कैसे आत्मा ये शरीर रूपी चोला छोड़ करके परमधाम जाएगी। तो भगवान जो कुछ भी सिखाते हैं वो पढ़ाई हमें प्रैक्टिकल सीखनी है, और कहाँ तक हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, भक्ति मार्ग के अंदर तो गाते रहे, और गाया कुछ और किया कुछ। मुझे अभी तक याद है कि मैं अमेरिका के अंदर मेरे भाई के पास सत्संग रखा था, और सत्संग के बाद उन्होंने आरती किया, और वो आरती में गाया था कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। आप लोगों ने भी ये वचन गाया, आरती गाई होंगी, जय जगदीश की आरती में ये लाइन आती है। और फिर बाद में जब मेरा भाई का बेटा भतीजा आरती लेकर के सबके पास गया, तो सभी ने रिचुअल, मैं तो कहूंगी रिचुअल ही बना दिया है, $1 वो आरती में डालने का। तो फिर क्या हुआ कि एक माता के पास $1 खुला नहीं था, तो उसने $5 की नोट डाल करके $4 अंदर से थाली से ले लिया, तो वो बच्चा बहुत अपसेट हो गया। फिर सभी जाने के बाद वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी क्या वो लोग इतने पुअर हैं कि मेरी थाली से $4 ले लिया, अभी किसको दे रहे हैं, गाया क्या, 2 मिनट पहले ही आपने क्या गाया कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। और जब भगवान को देने की समय आता है तो हम क्या देते हैं, है ना? इसीलिए भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, लेकिन हमारा बेटा भी है। जैसे लौकिक में आप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करते करते हो ना, उसको शायद कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि बेटा आपको क्या चाहिए। जब स्कूल का टाइम हो जाता है तो उसके लिए यूनिफॉर्म तैयार करना, उसकी बुक्स तैयार करना, उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें होती है, बच्चा कहता तो नहीं आप तैयार करके देती हो। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, और मैंने तो अमेरिका में यही देखा कि 18 साल का हो जाता है, ड्राइविंग सीखता है और उसको पर्सनल गाड़ी चाहिए, होता है ना ऐसा, है ना? मेरे भी सारी परिवार अमेरिका के अंदर है तो मुझे ये बात पता है कि 18 साल का हो गया, ड्राइविंग 16 साल में ही सीख लेते हैं, लेकिन 18 साल में उसको गाड़ी भी दे देते हैं, क्योंकि वो आपका बेटा है। क्या भगवान मेरा बेटा नहीं है?
भगवान को भगवान के कार्य में हम जितना लगाते हैं वो सारा रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन आपकी ये भक्ति की कहानी मैं सुनाती हूं कि जब तक सुदामा ने एक मुट्ठी चावल नहीं दिया तब तक कृष्ण ने उसको कुछ नहीं दिया, क्योंकि और लेने का हिसाब होता है। कल ही मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी। एक भिखारी ट्रेन में चढ़ा और एक सूट बूट वाले व्यक्ति जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखता था उसके पास गया और भीख मांगी। तो वो बिजनेसमैन ने उसको कहा कि लोग आपको देते हैं उसके बदले में तुम उसको क्या देता है, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन हूं इसीलिए लेना और देना बराबर ही होना चाहिए, तुम क्या देता है उसको। तो वो कहता है मैं तो कुछ नहीं देता हूं क्योंकि मैं तो भिखारी हूं। फिर वो भिखारी को सारा समय संकल्प चलने लगे कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दूं। फिर वो जहां भीख मांगने जाता था मंदिर वो रेलवे स्टेशन के आसपास में फूल लगे हुए होते थे, तो उसने कुछ फूल तोड़े और जो व्यक्ति उसको कुछ देता था उसको वो एक फूल दे देता था। अभी देने का सीखा, अब तक लेने का था लेकिन अब देने का सीखा। और फिर एक दिन आया, उसको ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं ये भीख मांगने के बजाय मैं फूल खरीद करके बेचूं और पैसे के बदले में वो फूल बेचने लगा। ऐसे करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया और फूल बेचने वाला फ्लोरिस्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि वो ट्रेन में एक दिन सूट बूट पहन करके सफर कर रहा था और वही व्यक्ति जिसने उसको बहुत बड़ा लेसन सिखाया था कि तुम क्या देते हो भीख के बदले में, तो वो भिखारी ने तो उसको पहचान लिया, लेकिन ये भिखारी के कपड़े से सूट में आ गया था तो फिर वो बिजनेसमैन ने उसको नहीं पहचाना। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने मेरे को पहचाना? कहते मैं नहीं पहचाना, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो कहते नहीं, हम बहुत बार ही मिले हैं और इसी ट्रेन में मिले हैं। तो कहते हैं याद दिलाओ। तो उसने याद दिलाया कि आपने मैं भीख मांगने आपके पास आया था। तो कहते मैंने कुछ नहीं दिया था ना आपको। तो कहते हाँ कुछ नहीं दिया लेकिन एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी कि तुम भीख के बदले में क्या देती हो। तो कहते हैं उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ देना है और मैं आज एक बहुत बड़ा फ्लावर का बिजनेस करता हूँ, तो मैं इसी सिलसिले में दूसरे शहर में जा रहा हूँ। तो कहने का भाव कहानी वेरी प्रैक्टिकल के हम क्या देते हैं और क्या लेते हैं। भगवान भी तब तक नहीं देता है जब तक मैंने कुछ दिया नहीं है और दिल से भावना से श्रद्धा पूर्वक यदि मैंने भगवान के कार्य में लगाया उसका रिटर्न हमें बहुत गुना हो करके मिलता है और सबसे बड़ा तो खुशी हमें मिलती है कि हमने किसके कार्य में लगाया। आप अपने बच्चों को देते हो, देना मना नहीं है लेकिन वो यूज कहाँ करता है ना। अगर सपूत बच्चा होगा तो आपको डाउट्स नहीं आएगा कि वो अच्छे कार्य में ही लगाएगा, लेकिन जो ऑफ ट्रैक हो गया है बच्चा उसको देने से आप हिचकिचाएंगे कि पता नहीं ये कहाँ उड़ा के आएगा, है ना। तो सपूत मुझे भी बनना है इस ईश्वरीय परिवार में
मैं भी भगवान का सपूत बच्चा बनूं कि वो आंख बंद करके मुझे दे, उसको मेरे पर विश्वास हो जाए कि मैं इतने वैल्यूबल ज्ञान रत्न उसको देता हूं, वो ज्ञान रत्न को कहां भी इधर उधर नहीं करेगा, वो अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए यूज करेगा। तो भगवान के कार्य में जो भी मेरे पास है उसको हम सफल करें। तन मेरा अच्छा है तो तन को भगवान की सेवा में लगाए, है ना। तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे, मेरा तन भी यदि भगवान का है तो वो भगवान की सेवा में लगे। मन भी यदि अच्छा है तो मन को भी ना प्रभु अर्पण कर दो। और जो भी थोड़ा बहुत धन मेरे पास है और वो धन हमें भगवान के कार्य में लगाना है, जिसकी हमने बचत की ज्ञान मार्ग में आने के बाद, हमारे बहुत सारे फुजूल खर्चे खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पहले हम कहाँ कहाँ ये अननेसेसरी खर्चा करते थे, और अब जब ज्ञान में आए हैं तो हमारा अननेसेसरी खर्चा खत्म हो गया। आप कभी बैठ करके अपने आप को चेक करना कि कहाँ मैं अननेसेसरी खर्चा करती थी, और अब जब भी आप सुपरमार्केट में जाओ, कोई भी चीज खरीदो, तो आप पहला प्रश्न ये पूछो कि ये मुझे जरूरी है या इसके बिना चल सकती हूं। मैं कई बार मेरे जो भी संबंधी हैं उनके पास जाती हूँ, उनके वार्डरोब को देखती हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि वार्डरोब में इतनी सारी साड़ियां, इतने सारे कपड़े। मैं पूछती हूँ कि 10 साल में भी एक बार इसको टच किया है, तो हंसते हैं। हम खरीदते जा रहे हैं और अमेरिका में तो वो ही टी शर्ट और पैंट ही पहनेंगे, है ना। तो बहुत कम ओकेजनली पहनते, और लॉकडाउन में तो और भी बहुत अपने आप को बंद करना पड़ा है, कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं, कहाँ पर भी जाना आना नहीं। तो हम कभी अपना वार्डरोब को खोल करके देखें कि 5 साल में कौन सी ऐसी ड्रेस है जिसको मैंने अभी तक छुआ नहीं है। ऐसी कई चीजें होंगी हमारे घर के अंदर। तो अब ज्ञान में आने से ये सब खर्चा हमारा बच जाता है, हमारी जरूरियातें कम हो जाती हैं। लौकिक में माँ बाप का वर्षा मिलता है बच्चों को, और एक होता है आप कमाई। वर्षा माँ बाप उन बच्चों को देते हैं जो लायक होता है, और आप कमाई, बच्चे जो अपनी कमाई पर जीते हैं, तो वो समझते हैं कि ये वर्षा जो मिला है उसको साइड में रख दो। और एक होता है वो सोचता है कि ये वर्षा मिला है, अभी खाओ पियो मौज करो, देखते हैं जब खत्म हो जाएगा तो तब हम नौकरी करेंगे। लेकिन तब तक तो उम्र भी चली जाती है नौकरी करने की। तो कहने का भाव कि भगवान से भी हमें वर्षा मिलता है, हर बच्चे का हक है वर्षा लेने का, लेकिन मैं ऐसा लायक बनूं जो भगवान के वर्षे को मैं सफल करूं, या तो आई विल के लिए संभाल करके रखूं। और दूसरा होता है हम अपनी कमाई से जिए, हम रोज अपनी कमाई, आत्मा की कमाई की बात कर रही हूं मैं,
आत्मा की कमाई करते हैं। आप सभी अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करते हो, कमाई महसूस हो। ज्ञान मार्ग में आप रोज क्लास करते हो, कमाई महसूस हो कि आज मुझे वो रतन मिले हैं जो कितना धन खर्च करने के बावजूद भी नहीं मिलने वाला धन है। ये अविनाशी धन है। विनाशी धन तो शरीर छोड़ने के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन ये अविनाशी धन हम शरीर छोड़ने के बाद भी अपने साथ संस्कार के रूप में ले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, थोड़ी कमाई किया और थोड़ा सा पेपर आया, हम भगवान की मदद मांगने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि हम जो वर्षा मिला हुआ है वो उसमें से यूज करने लग जाते हैं। हम आत्मा में इतनी ताकत भरे जो हम अपने प्रॉब्लम्स को खुद हल कर सके। बाबा तो बैठा हुआ है मदद करने के लिए, उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भक्ति के संस्कार को ज्ञान में भी यूज करते हैं। भक्ति के अंदर हम भगवान से मांगते ही रहे तो ज्ञान मार्ग के अंदर भी वही संस्कार के बाबा हमें मदद करो, बाबा ये प्रॉब्लम को समाधान करो, सॉल्व करो कहते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो वर्षा मिला है उसमें से हम यूज करते हैं। तो हम अपनी कमाई इतनी करें जो हमें ये प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम को हम खुद समर्थ बन जाए सॉल्व करने के लिए। और शुरुआत के दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्यर्थ संकल्प के रूप में, नेगेटिव संकल्प और उसके बाद व्यर्थ संकल्प। तो वो व्यर्थ संकल्प हमारी आत्मा की स्थिति को नीचे ले आता है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में और बहुत करके मैं जब मधुबन में आई, तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि मधुबन के अंदर एक तो गुजराती होने के कारण हिंदी बोलनी आती नहीं थी शुरुआत के दिनों में, बातचीत करना आता नहीं था। तो पहली बार मैं जब किसी से हिंदी में बात कर रही थी सोच संकोच कर करके, तो हाँ हाँ करके बात कर रही थी, तो वो बहन ने मुझे सिखाया कि हिंदी में जी शब्द बोलो। वो मैनर्स क्या होता है, वो मैनर्स हमको सिखाया कि जी शब्द बोलो। गुजराती में भी यदि जी बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, मैनर्स। और हमें ये आध्यात्मिक मार्ग के अंदर हम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं, तो डिवाइन मैनर्स हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। लौकिक में भी माँ बाप ये बात सिखाते हैं कि कैसे बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी होती है। और सपूत बच्चे की ये निशानी है कि वो हरेक के साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। और वो रिस्पेक्ट चाहे वो हमारी से उम्र में छोटा भी है, लेकिन अगर उसने हमारे जीवन को आदर्श सिखाया है, ये आध्यात्मिक मार्ग के अंदर हमें ले जा रहा है, तो वो आत्मा मेरे से छोटी भी क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ भी हमारा आपसी व्यवहार एक रिस्पेक्टफुल हो, क्योंकि वो मेरे लिए गुरु है, मुझे ये ज्ञान मार्ग में लाने के निमित्त बने हुए हैं, है ना। तो ये बात कि छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन वो डिवाइन मैनर्स हमें वो सिखाता है कि हर एक के साथ रिस्पेक्ट से बात करो। इवन आप छोटे बच्चे के साथ भी रूड व्यवहार करते हो, छोटे बच्चे के साथ भी ऑर्डर्स से बात करते हो, तो वो
दोबारा आपकी बात सुनेगा नहीं। तो यहां भी ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय कुटुंब है, जिस कुटुंब के अंदर भी हमें ये डिवाइन मैनर्स को यूज करना है। हिंदी में आप शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है, जबकि हम तुम करके बात करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ये सीखा कि हरि के साथ आप कह करके बात करो। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जब कोई दो व्यक्ति बात करता है तो हमें उनकी बात सुननी नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो बीच में बोलना भी नहीं है, ये भी डिवाइन मैनर्स है। हम अपने बच्चों को यही बात सिखाते हैं कि जब माँ बाप आपस में बात करते हैं तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर हमें अपनी बात कहनी भी है तो भी बाबा यही सिखाते हैं कि बालक बन के बात सुनो और जब मालिक बन करके कहना होता है तो रिस्पेक्ट से उन आत्मा को कहो कि आपने ये जो बात कही है मेरी समझ में नहीं आई है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। और कई ऐसी बातें होती हैं संगठन के अंदर, और वो बात हम ऐसी बोल देते हैं जो संगठन को तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हमें अपने संगठन को इतना मजबूत बना करके रखना है। लौकिक दुनिया के अंदर क्या होता है, जब बच्चा शादी करके आता है और फिर वो आत्मा जो हमारे ओन परिवार की नहीं है, वो दूसरे परिवार से आई है, अगर वो अच्छे मैनर्स लेकर के आई है तो परिवार को जोड़ने का काम करेगी, न कि परिवार को तोड़ने का काम करेगी, है ना। जब आती है तब तो हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, लेकिन हमारा व्यवहार भी उस आत्मा के साथ ऐसा हो, जो वो आत्मा हमारे परिवार में घुल मिल जाए और ये परिवार को अब अपना बनाए। तो अभी हम सभी ईश्वरीय परिवार में आ गए हैं, ये हमारा एक अलौकिक परिवार है। तो ये अलौकिक परिवार के अंदर भी संगठन को मजबूत करना बहुत बड़ी बात है। हम एक दूसरे की ग्लानी सुनाते हैं, करते हैं, समझो मैंने कुछ किसी का अवगुण कुछ देख लिया और वो अवगुण मैं वर्णन करती हूं, तो उससे क्या होता है संगठन में हर एक आत्मा वो व्यक्ति को वो अवगुण की दृष्टि से देखेंगी। इसका बहुत बड़ा बोझ मेरे होता है क्योंकि मैंने वर्णन किया। तो आप ये बचपन के दिन है आपके जो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, आपको लगेगा कि मैं कौन सी बातें आपको सुना रही हूं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपके ये बचपन में जो संस्कार आप बनाओगे वो संस्कार आप अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो ये ज्ञान मार्ग के अंदर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत बहुत आवश्यक है। एक दूसरों को मदद करना, समझो कि मेरे साथ किसी ने ज्ञान का कोर्स किया है और वो आत्मा 4 दिन से मुरली में नहीं आ रही है और हम
उनको फोन करके बात करे कि बेन क्या हुआ, 4 दिन से आप नहीं आ रही हैं, तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात सुनाएंगी जिससे वो डिस्टर्ब हुई है, चाहे वो अपसेट हुई है, कुछ भी हो। लेकिन आपका फर्ज क्या है? ये मेरा परिवार है और मुझे इस परिवार को बचा के रखना है। हम अपने कान को खुला रखते हैं, लेकिन ये कान के अंदर में कौन सी बातें डालती हूं? कान में अमृत डालेंगे तो जीवन श्रेष्ठ बनेगी, लेकिन कान में यदि जहर डाल दिया तो हम अपने ही परिवार को नरक बना देते हैं। क्योंकि आजकल सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और जब व्यक्ति बातें सुनाते हैं तो इतना इंटरेस्टिंग करके सुनाते हैं, और हम वो टेस्टी बातें बहुत प्यार से सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि कान द्वापर युग से लेकर के वही बातें सुनते आए हैं। और रामायण का वो एग्जाम्पल है मंत्रा। तो मैं कभी भी इस आध्यात्मिक मार्ग में मंत्रा न बनूं, किसी के कान में मैं जहर घोलने का काम ना करूं। अच्छी बातें सुनाने वाले कम होते हैं, पराई बातें, पुरानी बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें सुनाने के लिए आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन हमारा फर्ज है कि जो सामने वाले सुनाए भी तो उसको अच्छी बातें सुना करके पॉजिटिव बनाए। और पहली बात तो मैं जितना इंटरेस्ट लूंगी ना उतना वो दोबारा भी सुनाएंगे, इसीलिए इंटरेस्ट भी खत्म कर देना ऐसी बातें सुनने के लिए। क्योंकि आप यदि आपका एक बेटा सपूत है तो आप वो सपूत बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा उसको बना करके रखेंगे कि कहीं वो दूसरे की कंपनी में आकर के बिगड़ ना जाए। क्योंकि हमेशा आप ये बात ध्यान रखो कि हमको बुराई किसी ने सिखाई नहीं है। क्या किसी ने गुस्सा करना सिखाया है, झूठ बोलना सिखाया है, ग्लानी करना सिखाया है, ईर्ष्या करना सिखाया है? कहां से बातें, है ना? बाबा हमें अच्छाई सिखा रहे हैं, चाहे वो किसी को भी निमित्त बनाया हो, चाहे वो वैशाली बेन निमित्त बनी हो या हेमा बेन निमित्त बनी हो, आपको अच्छाई सिखाने के लिए। तो वो अच्छाई को मैं अपने जीवन में धारण करके मैं अपने जीवन को इतना अच्छा बनाऊं, इतना श्रेष्ठ बनाऊं कि मेरी पहले वाली जीवन भी लोग जानते हैं और अब की जीवन को भी लोग जानते हैं। ज्ञान मार्ग में आने के बाद लोग आपको बोलेंगे कि आपको जादू लग गया है। और कौन सा जादू लगा है? हम अच्छाई के रास्ते पर चलने लगे हैं, वो जादू जरूर लगा होगा। तो आप सभी भगवान के ऐसे सपूत बन करके दिखाओ, एक ग्रेट एग्जाम्पल सेट करो अपनी फैमिली के अंदर, ईश्वरीय फैमिली के अंदर, तो आपका एग्जाम्पल लोग देंगे। मैं भी ज्ञान में आई, और वो इसीलिए मैं ज्ञान में आई कि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी, और जब मैं वेकेशन में घर आई, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रह करके पढ़ते थे, और वैकेशन में जब मैं घर आई तो मैंने देखा, अरे मम्मी तो बहुत चेंज हो गई है, कुछ गड़बड़ होती है तो पहले तो बहुत गुस्सा करती थी और अब तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है, क्या हुआ है इसको? क्योंकि जब व्यक्ति बदल जाता है तो भी हमें
संकल्प चलते हैं। तो मैंने मेरी मम्मी का परिवर्तन देख करके ये आध्यात्मिक मार्ग क्या है ये समझने की कोशिश की। ये ज्ञान क्या सिखाता है ये समझने की कोशिश की। तो आप भी अपने परिवार के अंदर ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि उन्हों को जागरूकता आए कि इसमें इतना परिवर्तन आया कहां से है, ये इतनी बदल कैसे गई है। और लास्ट बात आपको सुनाना चाहूंगी कि भगवान का जो डायरेक्शन है वो फॉलो करने में हमारा बहुत बहुत कल्याण है, और वो है अन्न की शुद्धि। आप सोचेंगे कि अन्न की शुद्धि क्या होती है, आपको कोर्स में ये बात जरूर बताई होगी कि हमारे मन के ऊपर अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है, और जिसका ग्रेट एग्जाम्पल हमारे महाभारत में है। आप सब जानते हैं कि भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, परिवार के अंदर सम्माननीय थे, लेकिन जब द्रौपदी के चीर हरण हुए तब वो कोई भी बात कहने में समर्थ नहीं थे। द्रौपदी को मदद करने के समय पर वो असमर्थ थे, जबकि घर में सबसे वडिल थे, कुछ भी कर सकते थे, कह सकते थे, लेकिन वो कहने की ताकत नहीं थी। क्यों? हाँ, और जब अभी बाणों की सैया पर लेटा हुआ है, क्योंकि उसकी मृत्यु इच्छा मृत्यु थी, वो जब बाणों की सैया पर सोया हुआ है, सारा खून शरीर से निकल जाता है और द्रौपदी और पांच पांडव मिलने के लिए आते हैं, तब पितामह कुछ उपदेश दे रहे हैं। तो द्रौपदी ने तुरंत कहा कि पितामह, उस समय आपने ये उपदेश क्यों नहीं दिया था जिस समय मेरे चीर हरण हो रहे थे। तो पितामह कहता है कि उस समय भी मेरे पास ज्ञान तो था, लेकिन दुर्योधन के भंडारी का अन्न का प्रभाव मेरे मन पर था, और आज जब सारा खून निकल गया है तो मैं ये बात कहने में समर्थ हुआ हूं। ये एग्जाम्पल हमारे लिए है। अभी जब भगवान ने हमें ये डायरेक्शन दिया है कि शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न जो भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन है, उसे हमें स्वीकार करना है, तो मेरी यही शुभ राय आप सबके प्रति है कि आप जब भी भोजन बनाओ, वो वाइब्रेशंस भोजन के अंदर जाते हैं जिस एटीट्यूड से मैं भोजन बनाती हूँ। आप रोज सोचते हो मेरे पति को क्या अच्छा लगता है, मेरे अच्छा लगता है। अभी आप यह सोचो कि बाबा को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा को भी भोग स्वीकार कराना, जिसने हमें कलयुग के अंत तक भोजन दिया है, हमें भीख मांगने का अवसर नहीं दिया है, तो कलयुग के अंत तक जिसने हमें मदद की है, अब उसको भी हम स्वीकार करा दे भोजन को, तो वो शुद्ध अन्न आत्मा को, माना हमारे मन को पावरफुल बनाने में बहुत मदद करता है। और आप सोचो, हम किसी के घर में 365 दिन खाने जाएंगे क्या? क्या होटल में हम 365 दिन खाने जाएंगे क्या? नहीं ना। मैच्योरिटी समय हम अपने घर में ही खाते हैं, तो बाकी थोड़े से साल के 15 दिन मैं समझती हूँ या एक महीना समझूं, हम दूसरे के पास खाते हैं, होटल में खाते हैं,
और जो 11 महीना मैंने मेहनत की है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। और ये धारणा हमें बहुत बहुत मदद करती है आत्मा को भी शुद्ध करने में। पहले अगड़म बगड़म बहुत खाया, जो नहीं खाने का खाया, नहीं बोलने का बोला, नहीं सोचने का सोचा, लेकिन अब वो पैटर्न सब बदल गई। अभी हमें क्या सोचना है वो सिखाया, क्या बोलना है वो सिखाया, और अब क्या खाना है वो सीखना है। क्योंकि ये शरीर में रहते आत्मा को पावन बनाना है। ये शरीर भी बहुत वैल्यूएबल है। मुझे कई लोग कहते हैं कि नॉन वेज जो खाते हैं उसमें ताकत है। मैं उन्हें एक एग्जांपल देती हूं कि हाथी जो है ना वो वेजिटेरियन है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत किस में है सब प्राणियों में? हाथी में है। एक झाड़ के झाड़ उखाड़ देता है ना, तो क्यों वो ताकत कहाँ से आई? वो वेजिटेरियन है, झाड़ पत्ते खा करके इतना ताकत वाला बना है। तो हमारे सात्विक भोजन में, हमारे वेजिटेरियन भोजन में वो ताकत है जो आत्मा को, मनुष्य को देवपद दिला देगा, हमारी मन को शुद्ध कर देता है। और जिस स्थिति में, जिस वाइब्रेशन से, जिस संकल्प से हम भोजन बनाते हैं, उसकी इफेक्ट भोजन पर आती है। एक भाई मेरे पास कोर्स करने आता था और उसने कहा कि बेन, मैं ऑफिस में जाता हूँ ना, मुझे बहुत नींद आती है, तो क्या ये भोजन का प्रभाव होगा? तो मैंने स्वाभाविक ऐसे ही पूछा कि आपके घर में भोजन कौन बनाता है? तो कहते मेरा कुक बनाता है। मैंने कहा ऐसे करो कि जब सैटरडे संडे होता है, आप घर में होते हो, तो आप अपने कुक को ऑब्जर्व करो। तो वो भाई ने सोचा कि चलो मैं आज ऑब्जर्व ही कर लेता हूँ। सचमुच में उसने देखा कि जो उसका कुक था वो इतना आलस में उसका खाना बनाता था, खाना कुकर में चढ़ा दिया और टेबल पर माथा लगा लेता था। तो उसने ये सोचा कि सचमुच में अन्न का प्रभाव मन, वो प्रभाव मन पर है, और किस स्थिति में वो बनाता है जिसकी वजह से उसको ऑफिस में भी नींद आती है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस भोजन में जाते हैं। बाकी लास्ट एक कहानी सुना करके पूरा करती हूँ कि एक राजा था और राजा को कोई भी वारिस नहीं था, तो अब वो बुजुर्ग होने चला। तो वो राजा ने सोचा कि अब मुझे एक वारिस ढूंढना है जो ये राजगद्दी को संभाले। तो उसने अपनी सब लोगों को बुलाया कि उसको एडवाइस करे। फिर राजा ने कहा कि मैं अपना वारिस ढूंढता हूँ जो राज्य को अच्छी तरह से चला सके। तो उसने बहुतों का इंटरव्यू लिया और एक बार एक व्यक्ति, गांव का किसान का बेटा, उसने अपने फादर को बोला कि पिताजी मैं ये राजा की कंपटीशन में जाना चाहता हूँ। तो उसका पिताजी कहता है कि बेटा तुम क्या जाके करेगा, तुमको तो कुछ आएगा नहीं। कहता नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गरीब थे, उनके पास कपड़े भी अच्छे नहीं थे। तो उसने सोचा कि मेरा एक ऐसा कपड़ा देख करके मुझे बाहर से ही निकाल देंगे। तो उसने बहुत मेहनत करके, उधार ले करके एक छोटा सा जैकेट सिलाया और वो जैकेट पहन करके वो राज्य में जा रहा है। तो जहां राज्य में प्रवेश करता है वहां एक भिखारी बैठा हुआ है और वो ठंडी में ठिठुर रहा होता है। तो वो भिखारी उसको कहता है बेटा कुछ दे दो, मुझे बहुत ठंडी लग रही है।
अभी ये सोचता है किसान का बेटा कि मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जैकेट है, मैं उसको जैकेट दे देता हूँ। अभी इतनी मेहनत करके उधार लेकर के उसने वो जैकेट बनाया था, फिर भी उसने वो जैकेट दे दिया। वो जब राजमहल में गया तो उसको बिठा दिया गया, आधे घंटे तक वो बैठा इंतजार करता रहा कि उसका नंबर जब आएगा तो वो अंदर जाएगा। वो गया अंदर और जब गया तो देख करके हैरान हो गया कि ये वही भिखारी है जो राजा था, उसको नहीं मालूम कि ये राजा है। फिर वो राजा को बोलता है कि आप राजा हो, वो भिखारी बनकर के वहां थे। तो राजा ने कहा कि बेटा तुम मेरा योग्य बेटा है जो राजगद्दी संभाल सकता है। जिसने अपनी नेसेसिटी को नहीं समझा, अपनी जरूरत को नहीं समझा, अपने लुक को नहीं समझा, और तुमने एक ही जैकेट तेरे पास था और तुमने वो भी दान कर दिया। माना परोपकारी भी हो, आप दानी भी हो, आपकी बड़ी दिल भी है, दूसरे के दुख को समझने की ताकत भी आपके अंदर है, तो आप लायक हो योग्य राजा बनने के। संगम युग में बाबा भी ऐसे योग्य राजा को ढूंढ रहा है। कौन से मेरे बच्चे हैं जो सत्युग की गद्दी को संभालने के लायक हैं? क्या मेरा नाम उस लिस्ट में है कि भगवान मुझे वो गद्दी देने के लिए, सत्युगी प्रिंस, सत्युगी किंग बनाने के लिए लायक समझे? तो मुझे वो सपूत बच्चा बनना है कि भगवान मुझे सत्युगी गद्दी देने के लिए बंदाईमान हो जाए। तो आप सभी अच्छे टाइम पर इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया है। अब बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बीसों नाखूनों का जोड़ लगा करके पुरुषार्थ करो। हाँ, बीसों नाखूनों का जोड़ लगाना, 10 हाथ के 10 पांव के ऐसे ऐसा जोड़ लगाना है जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने के योग्य बन जाए। अभी तक बाबा ने माला नहीं बनाई है क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऐसे लायक बच्चे, ऐसे वारिस बच्चे आने वाले हैं जो मुझे उलना न देवे। तो हम सभी वो वारिस के लिस्ट में हैं जो बाबा मुझे अपना वारिस बनाए और मैं बाबा को वारिस बनाऊं। गिव एंड टेक का हिसाब किताब यहाँ भी है ना। तो आप सभी को मेरी यही शुभ राय है, शुभ भावना है कि जितने डिवाइन मैनर्स जिसको कहते हैं वो यदि धारण कर सको संगम युग के अंदर, तो वो हमारे मनुष्य जीवन को देवता बनाने के योग्य होगा। ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। अगर आपको प्रश्न है तो अगर आपका कैमरा खुल, एक तो आप कैमरा ऑन करेंगे और फिर आप अपना हैंड्स अप करेंगे तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। किसी को प्रश्न है? हाँ हाँ राजेंद्र भाई बताइए। तो फर्स्ट प्रश्न ये है, योग के बारे में है कि जिस ब्राह्मण आत्मा का योग नहीं लग रहा है और उसका कोई पास्ट का कर्म या भूल बार बार सामने आ जाती है, इसको हम एक तरह की धर्मराज की सजा भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पास्ट में जो भगवान की श्रीमत का उल्लंघन हुआ हो चुका है या भूल हो चुकी है, अब उसको कैसे सुधारें ताकि अब योग लगने में मदद मिले और धर्मराज भी खुश हो जाए। एक उपाय ये है कि जो पास्ट में हमने गलती की है,
वो बाबा को सच्चे दिल से लिख करके दे दो तो आधा माफ हो जाता है। और आप सोचेंगे बाबा को कैसे देना है, कोई हर्जा नहीं, जहां आप रहती हो वहां ही सच्ची दिल से लिख करके बाबा के सामने रख दो और फिर भूल जाओ। गलती को बार बार दोहराते रहने से क्या होता है कि हम अपने स्वमान से नीचे उतर आते हैं, लेकिन उसको जिसके साथ कुछ भी हुआ है, किसी को माफ करना है तो माफ कर दो, किसी से माफी मांगनी है तो माफी मांग लो, लेकिन बार बार दोहरा करके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को न रोके तो आधा माफ हो जाता है और आधा के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग नहीं लगता है तो उस शुरुआत के दिनों में आप पहले कुछ बाबा की बातें पढ़ लो, या तो बाबा को पत्र लिखो, जो बातें अच्छी लगती है वो लिखो। पहला हम ये कहते हैं कि रूह रिहान, बाबा से बातचीत करना। दूसरा तरीका है विचार सागर मंथन करना, वो भी एक योग की विधि है कि ज्ञान की मनन चिंतन करना, वो भी ज्ञान की विधि है। और तीसरी है अनुभूति, तो अनुभूति तब भी तक पहुंचेंगे जब आपका विचार अच्छी बातों में चलता होगा, है ना। तो आप जैसे शांति के विचार करते करते आप शांति का अनुभव करो, प्यार का विचार करते करते बाबा के प्यार का अनुभव करो, वो अनुभव तक पहुंचना है। तो योग लगना माना क्या, आप लगन में मगन हो जाओ, है ना। क्योंकि गोपियों के लिए यही कहा था कि वो सुध-बुध भूल जाती थी, कृष्ण की मुरली बजती थी और अपनी सुध-बुध भूल जाती थी। क्या मैं भगवान की याद में अपनी सुध-बुध भूल जाती हूँ, माना देहभान को भूलना होता है। देहभान को इतना हमने अपना बना लिया है कि वो निकलता नहीं। और दूसरा कि कोई भी बात जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है उसको निकालने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि अच्छी बातें आप विजुलाइज करते रहो करते रहो करते रहो तो वो जो पुरानी बातें हैं, पराई बातें हैं, वो माइनस होती जाएगी। वो माइनस करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को टटोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो योग लगेगा, योग क्यों नहीं, भगवान मजबूर हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। हाँ ज्योति बेन बोलो। मुझे वो बताना था कि सिमिलर सेम बात हमने क्लास में भी एक पूछा था, तो वो ही बताया था वैशाली बहन ने कि देहाभिमान इज द ओनली वे कि वो आप बाबा बहुत दफे मुरली में बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हमें लगता है अरे ये तो सिंपल है, पर सिंपल नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें बहुत दफे आती है। पर वैशाली बहन ने 2-3 दफे हमें सिखाया है कि ये देह अभिमान से जब भी निकल सकेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। और आपने भी आज ये बताया तो अभी हमें धीरे धीरे अभी ये क्वेश्चन निकलना ही चाहिए। थैंक यू। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस के संस्कार द्वापर युग से लेकर के हम चले आ रहे हैं, और अभी हम केवल थोड़ा सा समय है जिसमें ये बॉडी कॉन्शियस को खत्म करना है, है ना। जब तक हम देहभान से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम और बातों से भी मुक्त नहीं होंगे। तो ये समझो कि ये देह भगवान की अमानत है, भगवान ने मुझे संभालने के लिए दिया हुआ है, ये मेरी नहीं है, भगवान की अमानत है। अब किसी की अमानत होती है तो उसमें खयानत तो नहीं करेंगे ना। समझो किसी ने आपको $5,000 संभालने के लिए दिया तो आप क्या करोगे,
संभाल करके रखेंगे ना, ऐसे नहीं कि वो 5,000 आप यूज करना शुरू कर दो, है ना। ये शरीर भी भगवान की अमानत है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है, आत्मा के कल्याण के लिए लगाना है। ये शरीर भी काम का है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन ये शरीर में हम पुरुषार्थ करें आत्मा को पावन बनाने का। तो आत्मा की स्थिति, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान थी और वापस आत्मा माना मन बुद्धि संस्कार का समूह है, लेकिन आत्मा की ओरिजिनल स्टेज जो है वो 7 गुणों से है, और वो 7 गुण सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्तियां, ये 7 ही गुण आत्मा में भरने हैं। आत्मा समझना माना क्या कि ये गुण अभी हमारे आत्मा के अंदर है, लेकिन विकारों की अवगुणों की धूल लग गई है, तो उनको साफ करते जाना है। तो आत्मा को शांति से भरपूर करना है, मेरी शांति कोई भंग ना करे। आत्मा समझना माना क्या, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ ये है। मेडिटेशन में भी ये 7 ही गुणों के आधार से हमारा मेडिटेशन है। सुख आत्मा को बनाना है, जो दुख की फीलिंग्स ना आए, तो आत्मा को वो पावरफुल बनाना ये 7 ही गुणों से। वो फिर आपको वैशाली बहन इनको डिटेल में समझाएंगी। और किसी को और कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा ठीक है, तो प्रवीणा बेन आप थोड़ा मेडिटेशन कराएंगे क्लोजिंग। Nobody has a question, right? तो हम मेडिटेशन करें, ठीक है? Yes. आप म्यूट हो गए हो, संभड़ा तो नहीं थी। ओम शांति। ओके। जितना हम शरीर से हिलते हैं तो मन भी हिल जाता है, तो इसीलिए थोड़े समय के लिए अपने शरीर को स्थिर करें। दूसरी बात, अगर मन के अंदर कोई बातों को पकड़ा हुआ है तो उससे भी हम छोड़ दें, और अपने आप को रियलाइज करें कि मैं एक चैतन्य शक्ति ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय के माध्यम से चल आंखों के द्वारा देखना, मुख के द्वारा बोलना, कानों के द्वारा सुनना, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का प्रयोग करती हूं। मैं अति सूक्ष्म एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है।
शांति मेरा स्वदेश है। मन और बुद्धि के द्वारा मैं विचारों के माध्यम से अपने घर की ओर जा रही हूं। सूर्य चांद तारा गण को पार करते हुए एक अखंड ज्योति सुनहरा लाल प्रकाश अनुभव कर रही हूं। इस घर में कितनी न शांति है। अलौकिक शांति और यहां मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी है जो शांति के सागर हैं। मैं उनके सान्निध्य में परम शांति का अनुभव कर रही हूं। आहा, कितनी अलौकिक शांति है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन हैं और ये शांति के वाइब्रेशंस में चारों ओर फैला रही हूं। शांति की शक्ति मैं अपने अंदर भर रही हूं। जिस शांति की शक्ति से मैं अपने आप को समर्थ बना रही हूं। मेरे संकल्प शांत होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं वापस अपने घर से लौट रही हूं। इस आवाज की दुनिया में अब मैं सारा दिन इस शांति की शक्ति का प्रयोग करती रहूं। आत्मा कार्य व्यवहार में आती शांति की शक्ति का प्रयोग करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
प्रियम बेन, सुशीला माता भी थी, सुधा बेन, गोपी बेन, हाँ। तो एक अनाउंसमेंट है कि शाम को श्राद्ध और श्राद्ध के प्रति भोग का प्रोग्राम रहेगा। मैं आपको फ्लायर और इन्फॉर्मेशन भेजूंगी, लेकिन ये थर्सडे को शाम को 5:30 बजे श्राद्ध और जो पितृपक्ष है उसके बारे में क्लास रहेगा और भोग लगाएंगे। तो आप जो भी खाना भी चाहते हैं भोग, तो आप, मैं फ्लायर भेजूंगी। अगर आपको पास ऑन करना है तो दूसरे बीकेएस को भी कर सकते हैं, सिर्फ बीकेएस को करना। जो नए हैं जिन्हें पता नहीं है ज्ञान के बारे में, उन्हें नहीं करना ये सब डिटेल। मैं आपको डिटेल भेजूंगी, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और हम सभी बहुत 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 तहे दिल से प्रवीणा बेन का शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच। Om Shanti. Om Shanti sabhi ko. Om Shanti Praveena Ben. Om Shanti ji. Om Shanti Praveena Ben. Thank you Praveena Ben. Om Shanti. ओम शांति। शाम का टाइम था तो इजी था ना सबके लिए। वैशाली बेन, हमें मौन हमणा तोड़ियो छे। हां, हमें बनने हुए। वेरी गुड। आज पहली वक्त, आज पहली बार कई नई आत्माओं ने मौन रखा था। कितने हैं जो अभी भी है मौन रखा था सारे दिन का? पहली बार रखा था आतुपा प्रियम बेन, पर ज्योति बेन। अभी बेन को जब एक क्वेश्चन का बात हुई तभी तोड़ा। अच्छा, मैं एवरी फ्राइडे मौन रखती हूँ, इसीलिए बेन ने मेरे को थर्सडे का दिन नहीं दिया, वरना मैंने उनको थर्सडे को बुलाया था। बेन ने बोला था उनका फ्राइडे हो जाता है। फ्राइडे मौन रखती हूँ पूरा दिन। दूसरे दिन सैटरडे फिर बोलती हूँ, गुरुवार से सैटरडे फ्रॉम मंडे सैटरडे मॉर्निंग तक। तो आज पहली बार मैं सोमवार रखती हूँ मंडे को। वेरी गुड। आज पहली बार प्रवीणा बेन जो नए बच्चे हैं ना बाबा के, उन्होंने पहली बार मौन के बंदर भट्टी पीके, क्योंकि आज बाबा ने साइलेंस के बारे में बताया था ना, तो आज पहली बार प्रैक्टिस की है। आज 5 बजे तक बोला था जब तक आपका क्लास ना हो, फिर ऐसे ऐसे कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। अच्छी बात है, आत्मा में ताकत आती है मौन से। मैंने तो 15 दिन एक साथ मौन रखा था, और उस समय तो मोबाइल भी यूज नहीं किया 15 दिन, और चलता है। लॉकडाउन में वैसे भी कोई ऐसा कारोबार नहीं है तो चलता है। ओके, ओम शांति सब। ओम शांति बहन। थैंक यू बहन। ओम शांति।